जानते हैं ये वीडियो में लखनऊ और गुजरात को क्या करना है ये सीजन के आईपीएल में के ऑक्शन में। तो शुरुआत करते हैं लखनऊ सुपर जायंट के साथ जो आई थी नई फ्रेंचाइज लास्ट सीजन का सीजन कैसा गया था उस पर डालते हैं नजर। प्लेऑफ तक पहुंची थी, उनका पहला ही आईपीएल का सीजन था, थर्ड नंबर पर खत्म की थी, 9 जीते 5 हारे 18 पॉइंट के साथ। और ये बार कौन कौन से प्लेयर को किए हैं रिलीज जानते हैं। ये 7 खिलाड़ियों को जाने दिया है ऑप्शन के पहले और वो 7 खिलाड़ियों के नाम कुछ ऐसे हैं, एंड्रू ट्राई, एवन लुइस, जेसन होल्डर, शाहबाज नदीम, अंकित सिंह राजपूत, मनीष पांडे, धनुकन ट्रस्ट चमीरा। ये इनके 7 नाम जिनको ये बात छोड़ दिया है। और इनके जो स्क्वाड करंट स्क्वाड है उसके अंदर कुछ ये सब खिलाड़ियों के नाम हैं, केएल राहुल है कप्तान, क्विंटन डिकॉक, आयुष बदोनी, मार्कस ट्रॉइनिस, दीपक हुड्डा, कुणाल पांड्या, काइल मेयर, कृष्णप्पा गौतम, आवेश खान, मनीष खान, मोहसिन खान, मार्क वुड, रवि बिश्नोई, करण शर्मा, मयंक बोरे, मयंक यादव। तो इसमें से लास्ट सीजन के जो मेरे हिसाब से जो यंग पॉइंट थे वो थे आयुष बदोनी और फिर मोहसिन खान, एक तो लेफ्ट हैंड सीमा इनको मिला था एक अच्छा, जो लास्ट सीजन से इनकी जो पॉइंट्स टू टेक और इनके 15 स्क्वाड साइज मेंबर बनाना है, 4 ओवरसीज स्क्वाड में बाकी हैं और 23.35 करोड़ के पर्स इनके पास बचा है। और अब एलएसजी हैव टू रिजॉल्व दोस एट द टॉप लास्ट ईयर आफ्टर रिलीज ऑफ एवन लुइस एंड मनीष पांडे, दे माइट बी इवन मल्टीपल टॉप ऑर्डर बैटर इन द ऑक्शन। अब ये बार इनको ऑक्शन के अंदर लाना होगा टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, जेसन होल्डर का भी रिप्लेसमेंट को लाना होगा, करुणा चमीरा जो लास्ट सीजन में एक इफेक्टिव रोल अदाए थे उनको भी लाना होगा, रवि बिश्नोई जो स्पेशलाइज स्पिनर थे उनको भी, तो उनके जगह में किसको लाएंगे ये देखना होगा। वॉच लिस्ट क्या है लखनऊ सुपर जायंट्स के ये बात देखते हैं आपको। सैम करन ये एक ऐसा नाम जो ये टीम भी जा सकती है इसके पीछे क्योंकि इनके वॉच लिस्ट में भी होगा इनका नाम। 36 matches, 46 wickets, 7.86 IPL, 495 runs, 133.78 strike rate, 12 December तक का ये स्टार्ट जो कि आपको मैं बताया। और एक बात है सिकंदर रजा जो T20 वर्ल्ड कप 2022 में एक अच्छे लगे थे वो LSG के मिडल ऑर्डर में आ सकते हैं ये और एक बखूबी रोल निभा सकते हैं ये। तो सिकंदर रजा जिनका वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा प्रदर्शन जो मैं बात कर रहा था, 8 मैच में 219 रन, 147.97 का स्ट्राइक रेट, 10 विकेट, 6.50 के इकोनॉमी से जो बहुत अच्छा होता है एक ऑलराउंडर के तौर पर अगर देखा जाए इनको। और क्रिस जॉर्डन के पीछे भी जा सकती है ये टीम, क्रिस जॉर्डन भी आ सकते हैं इनके काम जो लास्ट डेप्थ में गेंदबाजी करने में है माहिर। इनका जो T20 का 2022 का जो रिकॉर्ड है वो कुछ ऐसा है, 40 matches, 48 wickets, 26 का एवरेज, 8.97 का इकोनॉमी, 17.30 का स्ट्राइक रेट, ये भी स्टार्ट 12 दिसंबर तक का ही है। और ये सब कुछ नाम है। अब क्या ये बार LSG को क्या क्या मिलेगी और क्या ये बार कैसी लग रही है वो टीम जो कर पाएगी दूसरे को धराशाई और जीत पाएगी जैसे गुजरात टाइटंस ने जीता था। और गुजरात टाइटंस ये बार कैसी लग रही है टीम अब उस पर डालते हैं नज़र क्योंकि गुजरात टाइटंस ने कुछ अब इन्होंने भी तो खिलाड़ियों को जाने दिया है। आखिरी सीजन कैसा गया था लास्ट सीजन में ये मेड इन अपने टाइटल में ये जीते थे, फर्स्ट नंबर पर ख़त्म किया था, 10 जीते 4 हारे 20 पॉइंट में ख़त्म किया। ये बार कौन से खिलाड़ियों को जाने दिया है और ट्रेड किया है सब पर डालते हैं नज़र। टोटल 6 खिलाड़ियों को जाने दिया है टाइटल विनिंग साइड से, 6 खिलाड़ियों को जाने दिया, वो 6 खिलाड़ियों के नाम गुरमीत
गुलबाज, लॉकी फर्गुसन को ट्रेड किया है, डोमिनिक ब्रेक्स, गुलमीत सिंह, जेसन रॉय और वरुण अरम को, ये छह खिलाड़ी जिनको जाने दिया है गुजरात टाइटंस ने। अब उसके जगह में अब लॉकी फर्गुसन और गुलबाज का इन्होंने केकेआर में जाने दिया है। एक टाइटल विनिंग में इनका क्रूशियल अदा रोल निभाया था लॉकी फर्गुसन, उसको ये बार जाने दिया है और गुलबाज ने रिप्लेसमेंट के तौर में जो जेसन रॉय के आए थे जो खेल नहीं पाए थे एक भी मुकाबला, आए थे वो। और जीटी का ये बार गुजरात टाइटंस के क्या है करंट स्क्वाड, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हार्दिक पांड्या कप्तान, शुभमन गिल, डेविड मिलर, अभिनव माइनोर, साई सुदर्शन, रिद्धिमान साह, मैथ्यू हेलन, राशिद खान, राहुल टेवटिया, विजय शंकर, मोहम्मद शामी, अलजारी जोसफ, यश दयाल, संदीप सिंगवान, जयंत यादव, साई किशोर, नूर अहमद, ये इनके स्क्वाड है प्रेजेंट, जो इनका स्क्वाड है ये कुछ ऐसा लगता है। और अब इनको इनके वॉच लिस्ट में कौन से होंगे, लेकिन उसके पहले इनको क्या क्या इनके अब टीम को बनाना है, 18 जन का इनको स्क्वाड साइज बनाना है। 3 ओवर से इसको में बचे हैं और 19.25 करोड़ का इनके पास पर्स है बचा। अब ये बार लॉकी फर्गुसन के जाने के बाद अब उनके रिप्लेसमेंट किसको ला पाएंगे, आशीष नेहरा जो कोच मेंटर है उनके उनको पास अब कुछ होंगे सवाल। अब उनके वॉच लिस्ट में कौन कौन से होंगे हार्दिक पांड्या के ये देखना होगा। पंजाब किंग्स के फॉर्मर स्किपर मयंक अग्रवाल इनके वो ओपनिंग स्पॉट में तो दावेदारी एक पेश कर सकते हैं, जिनका रिकॉर्ड अच्छा कुछ आईपीएल में रहा है, 68 matches, 1654 runs, 134 का स्ट्राइक रेट, 9 अर्धशतक, 1 शतक, 106 इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है आईपीएल में। मयंक अग्रवाल एक बैकअप ओपनर इनके टीम में एक शामिल हो सकते हैं। और एक जोसेफ लिटिल, जोरवा लिटिल जो लॉकी फर्गुसन के जगह आ सकते हैं, जिनका रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा रहा है, 7 मैचेस में 11 विकेट, 7 के इकोनॉमी से, 14.7 के स्ट्राइक रेट और 3 विकेट, 22 रन देकर इनका वर्ल्ड कप में इनका बेस्ट रहा है, जो आयरलैंड के खेलने वाले हैं। और डेविड मलर क्या गुजरात टाइटंस के टॉप ऑर्डर में ये फिट हो सकते हैं, और इनका भी कुछ ये साल कुछ अच्छा रहा है 2022, जिसके अंदर 37 मैचेस में 1120 रन बनाया है, 143 का स्ट्राइक रेट, 9 अर्धशतक, एक भी शतक नहीं, लेकिन 98 इनका हाईएस्ट स्कोर। ये कुछ खिलाड़ियों के नाम जो इनके लिस्ट में रहेंगे ये बार। और ये क्या है? एक और बार जो कारनामा पिछले साल किया था क्या उसको दोहराने का रखेंगे मानता, क्या ऐसी टीम वापस से बना पाएंगे जो 6 खिलाड़ियों को छोड़ा है, क्या उसे उसके रिप्लेसमेंट क्या उसको वापस ला पाएंगे, देखने वाली होगी ये बात। आप देख रहे हैं क्रिकेट विद आर्यमन गोयनका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।